So as I discussed before about the regional economic grouping, now I'm going to discussing about the groupings, the how many groupings are there to make the economic development of different countries or the collaboration between the different countries. The first one is SARC. SARC, SARC. SARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. These are the South Asian Association. These are the South countries who made the association for the welfare of the countries that the part of this association. Like they are all the South. South are the South. All South thinking about the welfare of the Asian countries, which is helpful for the further growth and development in trade and goods and services. So this association is developing in 8 December 1985, in which 7 countries involved the part of this association. These countries are Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Maldives and Sri Lanka. After that, Afghanistan joined this association in 2007. Now they are working as an association for the cooperation of these countries for the welfare and development programs. This association is created to develop economic condition for cultural development. ये जो एसोसिएशन है ये क्रिएट करी गई है ताकि हम अपनी अपनी डेवलप इकोनॉमिक की कंडीशंस को सुधार सके, वहाँ का कल्चर्स का डेवलपमेंट कर ले, सेल्फ रिलायंस हो जाए, मतलब ये कंट्री किसी पर डिपेंड ना रहे, ये खुद के लिए अपने लिए वर्क करें, एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो भी इन कंट्रीज की लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एसोसिएशन बनाया गया है. इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है, SARC का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है और ये वहाँ से सारा वर्क देखते हैं. इसके अलावा 1993 में जब SARC बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, बहुत अच्छे से डेवलप हो रही थी इकोनॉमी इन डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो 1993 में एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया जिसमें था कि इम्पोज करना है, टैरिफ की टैरिफ को कम कर देना है, बहुत कम मात्रा में चार्ज करना है एंड उसके बाद इसमें इम्पोज करना शुरू करना है. लेकिन ड्यू टू द डेवलप्ड वर्किंग कंडीशन इम्प्रूविंग दे आर नेगलेक्ट दिस एग्रीमेंट इम्पोज टैरिफ एंड दे आर एग्रीड अपॉन द फ्री ट्रेड. इन्होंने बोला कि फ्री ट्रेड हम करेंगे ताकि हमारी जो ये जो हमारी कंट्रीज हैं इनको अच्छे से बेनिफिट मिल सके. तो हमने इसका नाम रख दिया SAFTA, यानी कि SAFTA, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन. तो ये सारी एसोसिएशन बनाई गई और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए इन कंट्रीज़ को जो भी इसका पार्ट थे. नाउ कम्स टू द प्रिंसिपल ऑफ SARC. The principle and rules and regulation that every country has to follow. First one is respect the principle of every countries. मतलब हमें रिस्पेक्ट करनी होगी सारी कंट्रीज़ के प्रिंसिपल्स को, जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको सबको रिस्पेक्ट करनी होगी, कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा. जैसे पॉलिटिकल इक्वालिटीज़ हैं सबकी, इक्वल अलग अलग जगहों की होती हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, रिस्पेक्ट फॉर 780 है, तो ये सारी चीज़ें हमें काउंट करना होंगी जब हम मेंबरिंग करते हैं. उसके अलावा नॉन इंटरफेरेंस इन पर्सनल मैटर ऑफ वन अनदर. इसके अलावा कि हमें एक दूसरे के पर्सनल कंट्रीज़ के जो अपने ऑन कंट्री के जो पर्सनल मैटर हैं, वी डोंट हैव टू इंटरप्ट इन दिस.